आखिर टेक्निकल सागर ने क्यों बोला टेक्निकल गुरुजी को बिका हुआ। सो हे नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो गाइस आपका दोस्त हाजिर हो गया है फिर से बहुत सारी यूट्यूब न्यूज लेकर के। तो यारो चलो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक और एक कमेंट जरूर करना, क्योंकि आप लोग के एक लाइक और एक कमेंट से बहुत मोटिवेशन मिलता है आगे के वीडियोस बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स चलिए बढ़ते हैं आज की मेन न्यूज की तरफ, वो आ रही है टेक्निकल सागर और टेक्निकल गुरुजी की तरफ से। तो जी हाँ, टेक्निकल सागर आज अपने सेकंड चैनल सागर की वाणी पर उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया जिसका टाइटल था बिका हुआ गुरुजी पेड पॉजिटिव रिव्यूज। तो जी हाँ, बेसिकली इसमें उन्होंने जो टेक्निकल गुरुजी ने कल अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया था जिसका नाम था वर्ल्ड स्मॉलेस्ट लैपटॉप अनबॉक्सिंग जीपीडी पॉकेट। जी हाँ, इस लैपटॉप को एक्सपोज किया और उन्होंने बताया कैसे कि ये फेक लैपटॉप है। उनके पास भी इसके लिए रिव्यू के लिए आया था, पैसे मिले थे, पर उन्होंने इसका रिव्यू नहीं किया और दो बंदों ने ये लैपटॉप खरीद लिया और वो अब पछता रहे हैं लैपटॉप खरीद के। तो उनका कहना था कि गुरु जी ऐसे फेक रिव्यूज मत करो। तो पहले मैं आप लोगों को गुरु जी का वीडियो दिखाता हूँ, उसके बाद आपको मैं सागर भाई का वीडियो दिखाऊंगा। सो लेट्स रोल इट। छोटा सा है, मतलब अगर आप दिखाता हूं मैं आपको साइज कंपेयर करके, तो ये देखो ये मेरा S9 प्लस है और ये गैलेक्सी S9 प्लस से बस थोड़ा सा ही बड़ा है। तो ये है यार लैपटॉप। बात करता हूँ आपसे स्पेसिफिकेशंस की, इससे पहले मैं इसको करता हूं एक बार के लिए बूट। तो अरे 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 अरे, मतलब ये तो बहुत ही मजा हो गया। और सामने आपको मिलता है यहाँ पे डिस्प्ले जो कि है 7 इंचेस का स्क्रीन। इसको अगर मैं पहले ऑन करता हूँ, देखते हैं कुछ बैटरी इसके अंदर है कि नहीं है। आई थिंक बैटरी हो तो यार काम बने, क्या बात है, ऑन हो गया है। यहाँ पे दोस्तों इंटेल का एटम प्रोसेसर है, 8 GB की रैम है, 128 GB की स्टोरेज है, 7 इंचेस का फुल HD IPS स्क्रीन है, कंप्लीट यूनिबॉडी एल्यूमिनियम डिजाइन है। यहाँ पे आपको माउस का जो ट्रैक पैड उसकी जगह मिलती है ट्रैक बॉल। और बात करता हूँ अगर आपसे पोर्ट्स की, तो यार साइड में यहाँ पे तो बेसिकली वेंट है जो आपकी गर्मी बाहर निकाल देगा। इसके अलावा यहाँ पे USB टाइप सी पोर्ट है। चार्जिंग ईमेल आया कुछ दिन पहले और उस ईमेल में ये लिखा था कि कोई प्रोडक्ट भेजने वाली कंपनी थी जो प्रोडक्ट भेजती है और प्रोडक्ट बेचती भी है ऑनलाइन। उसने मुझसे कहा कि आपको हम एक लैपटॉप देंगे और ये छोटा लैपटॉप होगा और इसका पॉजिटिव रिव्यू आपको करना है। ये जो लैपटॉप, इतना छोटा सा लैपटॉप है, एटम का प्रोसेसर है उसमें, और बोलते हैं कि दुनिया का सबसे छोटा लैपटॉप है या जो भी है, उसका आपको पॉजिटिव रिव्यू करना है। हम आपको लैपटॉप देंगे और कुछ कैश देंगे, पैसे भी देंगे, तो आपको उसका रिव्यू करना है। मैंने देखा, क्योंकि हम अपने टेक्नोलॉजी के चैनल पर, टेक्निकल चैनल पर रिव्यूज़ करते हैं और वो रिव्यूज़ हम वही करते हैं जो हमें ठीक लगता है। अगर ठीक लगता है तो ठीक बताते हैं, ख़राब लगता है तो ख़राब बताते हैं। तो मैंने देखा उस लैपटॉप को, हालांकि वो लैपटॉप काफ़ी पुराना है, साल से भी ज़्यादा पुराना है वो, और घटिया लैपटॉप है उस प्राइस में। उस लैपटॉप का प्राइस लगभग इंडिया आते आते 35,000 तक पड़ जाता है, 40 भी पड़ सकता है, $500 कुछ लिखे हैं वहाँ पर, लेकिन एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह डालने के बाद 35,000 तक हो जाता है वो, 35-40 पड़ सकता है, कोई वो उसमें दो बात नहीं है, इतना महंगा है वो, ठीक है। मैंने देखा ये लैपटॉप तो बिल्कुल ख़राब है, मतलब इसमें ना ठीक से गेम चलेंगे आपके, एटम का प्रोसेसर है बेकार एकदम, और ना गेम चलेंगे उसमें, ना कोई हैवी एंड कुछ चीज़ कर सकते हो आप उसमें, ना यूज़ करने में सही है वो, हीट होता है, गर्म होता है बहुत ज़्यादा। तो मैंने उन कंपनी को मना कर दिया, मैंने बोला मैं इसका पॉजिटिव रिव्यू क्या, मैं इसका रिव्यू भी नहीं कर सकता, ख़राब की चीज़ है ये, क्यों रिव्यू करूँ इसका, मैंने मना कर दिया। अभी मैं देखता हूँ कि बहुत सारे यूट्यूबर हैं और कुछ एक पर्टिकुलर यूट्यूबर है जो उसका एकदम पॉजिटिव रिव्यू दे रहा है। तो वो एक पेड रिव्यू था और उसके लिए उनको पैसे दिए गए थे कि आप इस लैपटॉप के बारे में सिर्फ अच्छी अच्छी बातें बताएं। यार चंद पैसों के लिए भगवान ने तुमको कितना दिया है यार, कितना विश्वास दिया है लोगों का, और सिर्फ कुछ पैसों के लिए आप बिक गए, आप पेड हैं, आपको पैसे दिए गए, मतलब एक लैपटॉप और कुछ पैसों के लिए बिक गए आप, ये चीज़ बहुत ख़राब लगती है। और वो भी वो इंसान जो दूसरों को बोलता है कि आप बिक गए, बहुत जितने भी यूट्यूबर हैं उन सब पे आरोप लगाया उस इंसान ने कि आप बिक गए, जबकि वो इंसान भी खुद बिका हुआ है। उसने इतने से पैसों के लिए और एक छोटे से लैपटॉप के लिए आपको, आपके विश्वास को, पूरे चैनल को, अपने को, अपने नाम को बेच दिया। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बेच दिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि 35,000 रुपये में कैसा लैपटॉप आ सकता है अगर आपके पास पैसे नहीं है। और मैं आपको बताऊँ, दो लोगों ने वो लैपटॉप खरीद लिया, मेरे पास उन्होंने मेल किया, सर हमने गलती से वो खरीद दिया, आप रिफंड वगैरह करा रहे हैं, हम क्या करा रहे हैं, वो लैपटॉप हमने ऐसे ऐसे ले लिया है। मैंने बोला तुम लूट गए, तुम लुट गए, 30-35,000 में लुट गए, तुम्हारे पैसे चले गए, अब नहीं आएंगे वो।
जो भी है गए पैसे आप लोगों के जाएंगे पैसे, मैं क्या कर सकता हूँ, इसीलिए जल्दी वीडियो बना रहा हूँ। तो आप मेरे पास क्वेश्चन आ रहा था सर प्रोग्रामिंग के लिए, हैकिंग के लिए, वीडियो एडिटिंग के लिए, गेम खेलने के लिए कौन सा लैपटॉप हम खरीद। आप वीडियो में ये बोल रहे हैं कि मैं तो मैकबुक इस्तेमाल करता हूँ, विंडोज मैंने इस्तेमाल ही नहीं की। आप क्या बताना चाहते हैं लोगों को कि हम यहाँ मैकबुक, कितने लोग हम में से इस वीडियो को देखने वाले मैकबुक इस्तेमाल करते हैं? नहीं करते। ये दिखावा नहीं तो क्या है कि मैं तो सिर्फ मैकबुक इस्तेमाल करता हूँ। आप सिर्फ मैकबुक इस्तेमाल करते हैं। अगर आप खुद काम कर रहे होते ना तो 2 रुपए का मोबाइल खरीदने की औकात नहीं थी आपकी। ये आपके फैमिली के बिजनेस की वजह से है कि आप कितनी सारी चीजें हैं आपके पास। जो ऐसे इंजीनियरिंग बहुत अच्छा पेशा है लेकिन इसमें बहुत सारे गधे भी आ जाते हैं। एक गधा हमें YouTube पर देखने को मिला है। माफ करना, मेरे को गुस्सा आ रहा है इस वक्त उस इंसान पे कि ऐसे ट्रस्ट तोड़ दिया उसने इतने से पैसों के लिए। अब देखो आप डिसाइड करो आपको क्या करना है। आपको समझ आ गई होंगी बातें, मेरी बात ही ठीक लगी तो अच्छी बात है, नहीं लगी तो मेरे को तो वैसे भी गाली सुनने की आदत है, मेरा नया तो नहीं है। मैं तो बहुत पहले से बात आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या बोलते हैं। मैं उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो जिनको ये जानना जरूरी है। जिनको जानना जरूरी नहीं है वो गाली बकेंगे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी 4-5 लाइनों की गाली मैं पढ़ता भी नहीं हूँ और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत गालियाँ सुनी है जिंदगी में मैंने, तो मैं मेंटली बहुत स्ट्रांग हो चुका हूँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। आशा करता हूँ अब चीज़ें ठीक होंगी और अब आपको डिसाइड करना है कि क्या ठीक है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। तो फ्रेंड्स बेसिकली आप लोगों ने दोनों क्लिप देख ली होगी, आप लोगों को सारा माजरा समझ में आ गया होगा।